राम राम। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी लोग के अपने YouTube चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो साथियों, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो अभी दौड़ चल रहा था तो उसको जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए किया गया स्थगित, आखिर जिनका दौड़ हो चुका है तो फिर वो क्या करेंगे और जिनका नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो सारा जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा और नोटिस भी इसके लिए दिया गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, जितना भी आपका डाउट होगा वो सारा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जिनका दौड़ हो चुका है उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला एक नोटिस मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ट्यूट, ओके। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रेस विज्ञापित दिनांक 3, 4 एवं 5 सितंबर को राज्य के 7 केंद्रों में आयोजित होने वाली झारखंड उत्पाद सिपाही दक्षता परीक्षा जो है स्थगित की जाती है। यहाँ पे देखिए किसके द्वारा लेटर बनाया गया, तो पुलिस मुख्यालय झारखंड के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपका 3, 4 और 5 सितंबर को जो दोस्तों आपका 7 के 7 सभी सेंटर पर जो दोस्तों नहीं होगा आपका फिजिकल, ठीक है। ये बात आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आखिर जिनका हो चुका है फिजिकल तो आखिर वो क्या करेंगे, उनके लिए भी कुछ करना है या नहीं करना है। और अगर जिनका नहीं हुआ है तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 3, 4, 5 को होगा। तो उसमें दोस्तों आपको देखिए करना कुछ नहीं है, जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा सारा जानकारी, ये तो आपको मैंने एक प्रूफ दिखा दिया। देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो ट्वीट किया गया है झारखंड के CM के तरफ से, ठीक है। अब उसमें दोस्तों और भी मतलब डिटेल में जो है ना सारा बात जो है वहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो ओपन हो रहा है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये चीज इसलिए किया गया है कि अभी काफी ज्यादा जो है आप लोग जानते होंगे 11 लोगों का जो मृत्यु हो चुका है इसके चलते, फिजिकल के चलते। अब उसमें बहुत सारे कारण है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पानी तक के पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई क्या, कोई किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं करके गया है, तो फिर तो दिक्कत होने ही वाला है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आप भी ये चीज को देख सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अभी एक उत्तर प्रदेश की तरफ से भी आपका आ चुका है नोटिस, ठीक है। पुलिस में होगी 1 लाख नौजवानों की भर्ती। यहाँ पर दोस्तों हेमंत सोरेन आप लोग सर्च मारिएगा तो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसको ओपन होने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और इनके अकाउंट में आने के बाद आप लोग नीचे जाइएगा तो वो वाला पूरा ये खुद लिखे हैं CM साहब, क्या क्या लिखे हैं आप सभी लोग के लिए ये आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। देखिए, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में, इसको पहले शो मोड पर क्लिक कर देते हैं, इसका पूरा पहले ब्यौरा हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दोस्तों यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो बैक करना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी ओपन होता नहीं है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक अपडेट आपको दोस्तों देने का काम करता हूं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार हम इसे ओपन करते हैं, क्योंकि जो मेन बात लिखा हुआ ना वो यहीं पे लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको नोटिस दिखा ही दिया स्थगित वाला जो आया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। अब देखिए दोस्तों इनके द्वारा क्या लिखा गया है झारखंड के CM के तरफ से इस बारे में, जो मृत्यु हुआ है, जो दोस्तों आगे आपका रनिंग होगा कि नहीं होगा उसके बारे में। देखिए, जोहार साथियों लिखे हैं, सबसे पहले इन्होंने उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की जो है अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का जो निर्देश दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बात आपका कंफर्म हो गया कि आपका जो 2016 के बाद जो नियम बनाया 10 किलोमीटर रनिंग करने वाला, अब दोस्तों आपका ये नियम हटा दिया जाएगा और आपका 1600 मीटर का दोस्तों रनिंग वाला यहाँ पर रूल लागू किया जाएगा। हाइट जंप, लॉन्ग जंप जितना भी होता था उसके बारे में भी हम बताएंगे वीडियो में, जब पूरे तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपका 1600 मीटर वाला जो रनिंग है वो चालू हो चुका, नियम लग चुका है, तो ठीक है। तो वो दोस्तों यहाँ से देखिए इनके, क्योंकि पुलिस मुख्यालय रांची जो है वहां पे भेजा था प्रस्ताव इनके पास में, CM के पास में। अब देखिए ये बात खुद वो बोल रहे हैं कि हम जो उस पुराने वाले नियम को हम चेंज करेंगे, ठीक है। 2016 के पहले भी यही नियम था 1600 मीटर वाला, लेकिन उसके बाद कर दिया था ये 10 किलोमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों साथ ही इस प्रक्रिया में जो है दुर्भाग्यवश पीड़ित और
का कुल परिवार को सरकार की तरफ से जो तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है दोस्तों, उनको थोड़ा सा हेल्प किया जाएगा, बाकी दोस्तों प्रस्ताव जो यहाँ पे बनाया जाएगा पारित किया जाएगा कानून से, ठीक है, उसके बाद लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि एतिहान अगले 3 दिनों के लिए जो है हमने इस भर्ती प्रक्रिया को जो है रोकने का जो है निर्देश दे दिया है, और दौड़ का जो आयोजन है अब दोस्तों 9 बजे के बाद नहीं होगा। इसमें पूरा लिखा गया है कि दोस्तों अगर कोई खाली पेट जाएंगे रनिंग करने के लिए तो उनको नहीं दिया जाएगा, फल वगैरह नाश्ता का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, ठीक है। जो 3 दिन के लिए दोस्तों रोका गया है तो जिनका भी 3, 4, 5 सितंबर को रनिंग होगा दोस्तों तो उनका भी नहीं होगा, आप लोग मत जाइएगा वहां, ठीक है। उसके लिए फिर अलग से डेट आएगा जब भी इसका कराएगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे वीडियो भी बना करके मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि और चिकित्सा को लेकर के भी दोस्तों वहां पे एक टीम का जो गठन किया गया है जो कि रिपोर्टिंग पूरा मांग रहे हैं, और बाकी दोस्तों यही सब सारा जानकारी लिखा हुआ है। तो मेन जो दोस्तों आपका था कि 3, 4, और 5 सितंबर का जो रोका गया है फिजिकल, तो इसका जब भी दोस्तों होगा तो आपको मैं अपडेट दोस्तों दे दिया करूंगा, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो आपको लिखा होगा 3, 4, 5 सितंबर जिनका भी होगा, तो फिर वो लोग सोचेंगे कि सर आगे फिर जाएंगे तो एडमिट कार्ड में फिर दिक्कत क्या होगा वहां पे जाने के बाद, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। जो इन लोगों ने बोला है 3, 4, 5 सितंबर को रनिंग नहीं किया जाएगा, फिजिकल नहीं होगा, तो उनके लिए एक अलग से डेट दिया जाएगा, फिर उसी डेट में आप लोगों को जाना है और मैं आपको अपडेट भी दोस्तों कर दिया करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि देखिए हमको लगता है कि 1600 मीटर वाला रनिंग दोस्तों लागू किया ही जाना चाहिए, लागू कर ही दिया जाएगा, तो हो सकता है कि जो 4919 पद आपका है झारखंड कांस्टेबल वाला जिसका फिजिकल लगभग 1.5 महीना में उसका भी स्टार्ट होगा, तो उसका दोस्तों आते आते लगता है कि वो लागू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी निर्देश दे दिया है, सीएम ने जब खुद निर्देश दे दिया है, आदेश कर दिया है, तो बस प्रस्ताव जो नियम कानून बनेगा पास होगा फिर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो जब लागू हो जाएगा तो 1600 मीटर वाला जैसे लागू होगा तो उसमें दौड़ वगैरह हाइट वगैरह ये क्या बोलता है आपका जो जंप होगा, ठीक है, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, तो सारा नियम दोस्तों उसमें फिर लागू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बनाएंगे जब ये नियम लागू हो जाएगा तब। फिलहाल दोस्तों इतना ही जानकारी था कि 3, 4, 5 सितंबर को रनिंग का जो है आयोजन वो रोक दिया गया है, अब उनका कब जो है रनिंग होगा फिजिकल होगा तो मैं आपको पूरा बताया हूँ, उसके लिए अलग दोस्तों डेट जारी किया जाएगा ये बोर्ड के तरफ से, तो मैं आपको बताऊंगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप से भी जुड़िएगा, वहाँ पे दोस्तों अपडेट आपको मिलता है हर हमेशा, और आपको यूट्यूब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का जय हिंद जय भारत।